कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ब्रिडकुल में 2012 से कार्यरत 55 कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में नई तकनीक का इस्तेमाल करने की बात कही। इसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने ब्रिडकुल, लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, पर्यटन और PMGSY सभी को मिलाकर सेमिनार आयोजित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। ब्रिडकुल द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में PWD, पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, नागरिक उड्डयन, सेवा योजन और प्रशिक्षण तथा PMGSY की कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सालों में ब्रिडकुल द्वारा भवन, सड़क, सेतु और हवाई पट्टी के लगभग 445.80 करोड़ की लागत की परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इसमें हमने आदेश दिए हैं कि ब्रिडकुल में 2012 में कार्यरत 55 कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश दिए हैं, और इसके साथ साथ जानकारी जो हासिल हमने जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी आदान प्रदान हो, तो भविष्य के अंदर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और टूरिज्म और ब्रिडकुल को लेकर के और RWD को लेकर के हम एक बड़ा एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाएगी और लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने जो हमारे अधिकारी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको अपग्रेड किया जाए और उनके ज्ञानवर्धन किया जाए। तो इसके लिए भविष्य में हमारी बहुत बड़ी योजना है, और उसके साथ साथ हमने भी ये विचार किया कि भाई इस समय रास्ते जो रुके हुए हैं उनको खोला जाए और पूरी तत्परता से काम किया जाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रिडकुल ने नैनी सैनी हवाई पट्टी का निर्माण और कोरोना काल में 200 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण कार्य करने के साथ साथ पिछले 2 साल में PMGSY के अंतर्गत 50 करोड़ से ज्यादा की लागत की सड़कों का निर्माण कार्य भी किया। उन्होंने बताया कि ब्रिडकुल द्वारा खाद्य आयुक्त कार्यालय भवन देहरादून को राज्य के पहले हरित भवन के रूप में भी निर्मित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज़।